गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे हर सुबह हेल्दी ब्रेकफास्ट करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरे दिन की एनर्जी देता है। उसी तरह हर सुबह एक सिंपल पॉजिटिव थॉट से अपने दिन की शुरुआत करना, पूरे दिन आपकी मेंटल हेल्थ अच्छे मूड में, अच्छे जोन में रहेगी। दिस इज लाइक सोल फूड, सोल ब्रेकफास्ट। सो देखते हैं आज के ब्रेकफास्ट में क्या है। मान लीजिए आपके पास एक कंप्यूटर है, उसमें आप ना कोई भी एक मूवी की सीडी लगा देते हैं और वही मूवी चलना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन वो मूवी तो बड़ी नेगेटिव निकलती है, मार धार, सुसाइड, क्राइम, धोखेबाज लोग, दिल दुखना, प्यार ना मिलना, सारी बुरी चीजें हो रही है उस मूवी में और आपको उससे अच्छा महसूस नहीं हो रहा, आपको डिस्टर्ब फील हो रहा है। तो आप क्या करोगे? उस मूवी को बंद कर दोगे और एक दूसरी नई अच्छी सीडी इस बार देख कर ढूंढ कर लोगे खुद से और उस सीडी को लगाओगे। इस बार आपके चॉइस की मूवी स्क्रीन पर चलने लगेगी एंड यू विल फील हैप्पी। काश लाइफ में भी ऐसा ही होता ना। ऐसा ही सोच रहे ना आप? लाइफ ऐसी ही है। यस, आपकी मेरी हम सबकी लाइफ ऐसी ही है। हमारा मन, हमारी सोच, हमारा एटीट्यूड, हमारी बिलीफ सिस्टम एक सीडी की तरह काम करते हैं और जैसी भी सीडी हमने अपने मन में लगाई है एग्जैक्टली वैसी ही चीजें हमारे लाइफ में हमारे साथ हो रही है। अब यहाँ पर हमारे, यानी मैं सिर्फ अपने पर्सनल लाइफ की बात कर रही हूँ, ये दुनिया में बाकी जितने भी लोग हैं उनकी नहीं, क्योंकि हर इंसान अपनी अपनी अलग सीडी चला रहा है और उनके लाइफ में क्या हो रहा है, वो क्या सोच रहे हैं, वो उनकी सीडी की वजह से सोच रहे हैं। ठीक है, तो हमें सिर्फ अपनी सीडी पर ध्यान देना है। तो अगर मान लीजिए हम बहुत अच्छे इंसान हैं, हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, हमेशा अच्छा सोचते हैं, बट फिर भी हमारे साथ कुछ बुरी चीजें हो जाती है, वो सीडी तो हमने डाली भी नहीं थी हमें ऐसा लगता है। वो पता है बुरी चीजें क्यों होती है? क्योंकि बचपन से हमारे मन में दूसरे लोगों ने सीडीज भरी है सोच की, हम दूसरे लोगों को देखते हुए सीखते आए हैं। हमारे दोस्त हो, लाइफ पार्टनर्स हो, फ्रेंड्स हो, रिलेटिव्स हो, पेरेंट्स हो, समाज, सोसाइटी, गाने, बॉलीवुड, सब लोगों ने हमारे मन में अलग अलग सीडीज बिठा दी है और हमें पता ही नहीं था कि अच्छा ये ऐसे काम करती है ये सारी चीजें, जिंदगी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो हम उन सीडीज को अब तक चलाए जा रहे थे। अब फर्क ये है कि कंप्यूटर में जो मूवी पसंद नहीं आती उसे तो चेंज कर देते हैं हम, पर लाइफ में जब हमें कुछ पसंद नहीं आता, जब बुरा होता है तो हम डर जाते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं था, हमें बताया ही नहीं गया था कि आप किसी भी वक्त अपने लाइफ की मूवी को चेंज कर सकते हैं सिर्फ अपनी सोच की सीडी को चेंज करके। तो हम ये सोचने लगते हैं बुरी चीजों को देख के कि अब मेरी लाइफ खत्म, इतनी सारी बुरी चीजें हो रही है, मैं अनलकी हूँ, बदनसीब हूँ, मेरे जीवन में सब कुछ खराब हो गया, मुझे कभी प्यार नहीं मिल सकता, मैं कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकती, जिंदगी बर्बाद हो गई। ये सारे थॉट्स हम सोचने लगते हैं जस्ट बिकॉज हमें वो सामने दिख रहे हैं। तो ये जितनी भी चीजें हमारे लाइफ में हो रही है ना, हम फंसे नहीं हैं, हम अंधकार में, डार्कनेस में नहीं है। ये चीजें हमें दुख देने के लिए नहीं हो रही है, ये सारी चीजें हमें फीडबैक दे रही है कि देखो अपनी माइंड में तुमने ये सीडी लगाई है, उसे चेंज करो। मान लीजिए मेरे साथ कुछ बहुत बुरा हो रहा है, ऑफकोर्स जब कुछ बुरा होता है ना, बुरा लगता है, हम इंसान है, रोबोट्स नहीं है। जब हमारे लाइफ में हम सबसे ज्यादा जिससे प्यार करते थे, जिससे धोखे की उम्मीद ही नहीं की थी, वो अगर चला जाए तो क्या फिर भी हम हंसते रहेंगे? किसी करीबी इंसान के फैमिली मेंबर की अगर मौत हो गई तो क्या हम हंसते रहेंगे? ऑफ कोर्स नॉट। हर वक्त पॉजिटिव रहना एक गलत बात है, मतलब ये गलत तरीके से प्रेजेंट किया जाता है पॉजिटिविटी को। दुख होगा, दर्द होगा, पछतावा होगा, रोना आएगा, दिल टूटेगा, सब होगा, लेकिन अगर हम ये मानने लग गए कि मेरा तो नसीब ही ऐसा है, मेरी तो जिंदगी ही बकवास है, बेकार है, मेरे साथ कभी अच्छा नहीं होगा, मैं बदनसीब हूँ, ये सीडी अगर हम लगा देंगे मन में तो वो गलत बात होगी। पॉजिटिविटी का मतलब ये नहीं होता कि हर सिचुएशन में बस हंसते रहो जोकर की तरह।
पॉजिटिविटी का मतलब ये होता है कि हर दुखी सिचुएशन को देखो, फील करो, लेकिन लाइफ को आगे चलाते जाओ। थमना नहीं है, रुकना नहीं है, हिम्मत हार के मरना नहीं है, ठीक है? तो जब भी हमें लगे कि नो, ये जो मूवी चल रही है मेरे लाइफ में, ये मुझे अच्छी नहीं लग रही है, चेंज योर थॉट्स। कुछ सेकंड के लिए आपको ऐसे लगेगा कि क्या चेंज करूं, क्या सोचूं, नहीं समझ में आ रहा है, बट शांत रहिए, गहरी सांसें लीजिए, जस्ट थिंक व्हाट यू वांट। तुम चाहते क्या हो, तुम क्या चाहते हो, तुम क्या चाहते हो, ये इम्पोर्टेंट है। जितनी भी बार मैंने बोला, अलग अलग वर्ड्स पे प्रेशराइज करके बोला है, उसके अलग अलग मीनिंग बनते हैं। इसे फिर से सुनना, समझना और अपने आप से इसका जवाब पूछना। जो भी आप चाहते हैं वही सीढ़ी आपको अपने मन में लगानी है और वही दृश्य बाहर प्ले होना स्टार्ट होंगे। आपको क्या लगता है, छोटे छोटे फेदर्स, मैनिफेस्टेशंस, रेनबोज जो भी आप करते हैं, ये आपको ऐसे ही आ रहे हैं? आपने अपने मन में एक सीढ़ी लगाई है कि मुझे ये चीजें चाहिए, मुझे ये मैनिफेस्टेशन चाहिए, और वो आपके पास आ गया। कुछ बड़ी विश की सीढ़ी अपने मन में लगाते हैं ना, हम उसे प्ले ही नहीं होने देते। जैसे ही वो घूमना शुरू होती है, प्ले होना शुरू होती है, हम उसे रोक देते, अरे नहीं हुआ तो, अरे ऐसा, अरे वैसा, सारे डाउट से हम उसे रोक देते हैं। मैं नाम नहीं रख रही हूँ, मैं खुद भी ऐसी ही हूँ, ठीक है? हम ये सारा जो भी प्रोसेस हम कर रहे हैं, सीख रहे हैं, ये नई चीज है हमारे लिए और हम प्रैक्टिस करके सीख जाएंगे। मैं बस ये बोल रही हूँ कि तुरंत ही नेगेटिव होके हमें गिव अप नहीं करना है कि अरे नहीं हो सकता, मेरे लिए ये काम नहीं कर रहा, ये बकवास चीज है, ये ऐसा एटीट्यूड नहीं लाना है, बस ये इम्पोर्टेंट है। तो लाइफ हो या मैनिफेस्टेशन हो या कोई भी चीज हो, वी कैन चूज अवर सीडी, वी कैन चूज कि हमें बाहर क्या देखना है। बाहर के सारे चीजों का कंट्रोल बटन हमारे अंदर ही है। सो थैंक यू सो मच सुनने के लिए, समझने के लिए। एक नई फ्रेश अच्छी सी सीडी अपने मन में लगाते हैं, वो जो गेम हम खेलने वाले थे ना अपनी लाइफ का, फीलिंग्स का, वो गेम खेलते हैं और एक बढ़िया शुरुआत करते हैं अपने दिन की, ठीक है? हैव अ वंडरफुल डे।